फरमाए और बहुत अच्छा हुआ कि वो यहाँ आ गए, बिकॉज़ ये मेरे ख्याल है फिर उनकी भी दिल में रह जाती बात जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट वाज गुड, और सब अपनी फैमिली से मुलाकात हो गई। मेरे सारे लास्ट टाइम जब उनकी हुई तो सारे बहुत छोटे थे। आपके एक वाले साहब पुराने साथी थे इमरान खान के, कि वो आ जाएँ तो आपको तसल्ली हुई है कि आपके वाले पुराने दोस्त आए हैं? जी बिल्कुल, अच्छा लगता है कोई आए, बिल्कुल जी, सबका लाभ और सपोर्ट पता चलता है। और सबका हम शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं कि सबने बहुत सपोर्ट किया और लाभ दिखाया अब्बा के लिए। ये सबसे छोटा बेटा जी सर, ऐसे मिले आप? ये हाफिजुल कुरान बन रहे हैं जी, इसके 12 पारे माशाल्लाह हो गए और बाकी भी उसको। और ये बाबर है जी, आप भी छोड़ना चाहेंगे खान साहब भाई आपके पास? थोड़ा हौसला मिला होगा कि बहुत अच्छा लगा ये। जितने भी दिन एक्चुअली जितने भी लोग आए तो ऑफकोर्स लोग मिलते हैं, ऑफकोर्स बताते हैं बाकी जितनी भी उनके साथ जो सबकी बातें हुई थी, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा। सैफ आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी भाई सपोर्ट मिलता है बहुत ज़्यादा यार, ये हमारी फैमिली का झूल है, हम इसको बोलते हैं झूल ऑफ द फैमिली। हाँ तो इसको झूल ऑफ द फैमिली इसलिए बोलते हैं कि ये कर रहा है कुरान हिफ्ज एक तो, हाँ, और दूसरा जो है ना ये हमारा फैमिली का सबसे छोटा है, हाँ, इसलिए इसको झूल ऑफ द फैमिली सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। और अब देखो जो सो हो गया सो हो गया, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने जुनेद को जिस तरह का अख्ताम दिया वो उसकी अपनी ख्वाहिश थी, और अल्लाह ताला ने उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुलाया। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको बहुत आला दर्जा अता फरमाए, जनवास के उसको और हमारे मेरे माँ बाप को उसके साथ मिलाए, और अल्लाह ताला हम सबको ऐसा अख्ताम फरमाए जिससे कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों तो हमको अख्ताम अता फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भी आप